नंबे इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए बड़ी पहल की आपने। प्रकल्पग्रस्तों का 16 अगस्त को आंदोलन होने वाला था, लेकिन आपने पहल की, केंद्रीय विमानन मंत्री ने आश्वासन दिया। किस तरह से ये मांग पूरी होगी कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दीबा पाटिल साहब का नाम दिया जा सके? 2015 में दीबा पाटिल जी का नाम नवी मुंबई एयरपोर्ट पर देने के लिए मैंने ही पहल की थी। मैंने लोकसभा में मुद्दा उठाया था, झीरो काले में उठा था, 377 में भी उठाया था और प्रधानमंत्री जी को मैंने लेटर लिखा था। तो ये जनभावना है, भूमिपुत्रों की जनभावना है। सरकार को, महाविकास आघाड़ी सरकार को ये बात समझनी चाहिए। शरद पवार साहब अच्छी तरह से जानते हैं दीबा पाटिल कौन थे, उन्होंने सत्याग्रह करके, आंदोलन करके किस तरह से किसानों को यहाँ पे उनके ऊपर जो अन्याय हो रहा था वो अन्याय दूर करके उनको न्याय दिया है, तो उनका पहला हक बनता है, ये सब लोग जानते हैं। लेकिन इनको सबको, सरकार को साथ में लेके चलना है, सरकार को इनको टिकाना है, इसलिए कोई कुछ बोल नहीं रहा है। इसलिए मैंने जब से मंत्री बना तब से, उसके पहले भी राज्य सरकार को मैं सभी भूमिपुत्र के माध्यम से विनती करता हूँ कि आपने जो सिडको के माध्यम से प्रस्ताव पारित किया है उसका पुनर्विचार करें और दीबा पाटिल जी का नाम एयरपोर्ट पर देने के लिए वो प्रस्ताव फिर से पारित करें, क्योंकि इनकी जनभावना का आदर नहीं करेंगे तो वो जो भी सरकार रहेगी, जो भी पार्टी रहेगी, उसको उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। लेटेस्ट अपडेट्स और ताजा तरीन खबरों के लिए टीवी वन इंडिया लाइव को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकॉन को दबाना मत भूलिए।